यहाँ पे ये कमल के फूल खिलते हुए। पोए तो मैं बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ और इसे बहुत मिस करता हूँ। पोए मेरे बहुत अभी नाइकी शोरूम नहीं, नहीं अभी नहीं, आज शनिवार है तो हमको शूज वूज नहीं लेंगे, नाइकी शोरूम नहीं, यहीं से लेंगे। नाइकी शोरूम में 10,000 का एक पैर आएगा। कांटे और गोभी आलू की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है ना, खा के देखना बहुत मजा आता है। और साथ ही में आज मम्मी ने बनाया है इसको, क्या कहते हैं मम्मी? नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो वॉक करने के लिए आए हैं सुबह सुबह, देख सकते हो आप, बढ़िया ओस पड़ रहा है, बढ़िया मौसम। और ये देखिए एक फार्म हाउस जैसा है जो कि लाइक अभी अभी शुरू हुआ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे पपीते के पेड़ हैं और वहाँ पे नारियल के पेड़ हैं, यहाँ पे ये लाइक जामफल का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है। तो छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये कमल के फूल खिलते हुए। तो यहाँ पे सब जगह लाइक खिल रहे हैं ना कमल के फूल, और यहाँ पे लाइक पूरा आ चुका है, तो बढ़िया सुंदर सा लगता हुआ ये नज़ारा। तो हो गई अपनी वॉक और थोड़ी बहुत रनिंग, अब हम जा रहे हैं घर पे, तो आपको नहा धो के नाश्ते पे मिलेंगे। नहा धो के फ्रेश हो चुका था और अभी देखते हैं किचन में आज नाश्ते के लिए क्या बना रही है मम्मी। आइए, क्या बना रही हो आज नाश्ते में? ओए अरे वाह, मेरे फेवरेट। तो देखिए पोहे बन रहे हैं मस्त मस्त। तो ये देखिए पूरा नाश्ता अपने टेबल पे, बिस्किट है, पोहे हैं और चाय है। तो आइए नाश्ता करते हैं। और पोहे तो मैं बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ और इसे बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि पोहे मेरे बहुत फेवरेट है, सच बताऊँ तो बहुत बहुत फेवरेट है। साथ ही ले लेंगे चाय की चुस्की। मैं और सूरज अभी मारुति मंदिर जा रहे हैं और हर शनिवार को हम जाते हैं, लाइक मैं जहाँ यहाँ पे रहता हूँ तो मैं जाता ही हूँ, और सूरज भी जब घर पे रहता है तो शनिवार को हर रोज मारुति मंदिर जाता ही है। तो आइए चलते हैं। जय श्री राम। मारुति मंदिर आ गए हम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और आज के दिन बहुत लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो ये देखिए अभी हम तेल चढ़ाने वाले हैं, और कभी भी तेल चढ़ाते हैं ना तो यहाँ तेल पे आपको अपना फेस देख के अपने घर वालों का नाम लेके चढ़ाना चाहिए। तो हमारे दर्शन हो गए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, यू नो, और मन को सुकून सा मिलता है। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, यानी कि कल की जो 20% शॉपिंग बची है वो आज पूरी करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और ये है गांधी मार्केट, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, छोटे से लेके बड़े लोगों के लिए कपड़े प्लस सब्जी सब कुछ मिलता है। हमें लेने हैं ट्रैक पैंट्स, तो एक जगह है लकी जींस, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हमारे टाइप के मिल जाएंगे। आइए। यहाँ पे ट्रैक पैंट नहीं मिले, लाइक अच्छे नहीं थे, तो हमने यहाँ से सिर्फ शॉर्ट्स पैंट ले लिया है। और अब सूरज कह रहा है कि यू नो फिर से कार्टर में चलते हैं, वहाँ पे ही अपन को मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं कार्टर में। मैंने कार्टर में ही सूरज को आया पसंद जो ट्रैक पैंट लेने थे, और उसने एक चश्मा भी ले लिया, तो आई थिंक अब वो खुश है, मैंने जो उसे चाहिए था वो सब कुछ दिला दिया। खुश है कि नहीं तू? नहीं अभी भी कुछ नहीं, अभी भी शूज बाकी है। अरे शूज लेना बाकी है, तो चलो ठीक है शूज भी लेंगे। चलते आज अभी नाइकी शोरूम। नहीं नहीं अभी नहीं, आज शनिवार है तो हमको शूज वूज नहीं लेंगे, नाइकी शोरूम नहीं, यहीं से लेंगे। नाइकी शोरूम में 10,000 का एक पैर आएगा। तो अभी हम लोग लाइक चलते हैं घर, और आज शनिवार है इसलिए जूता चप्पल खरीदते नहीं है, तो हम लोग अभी मंडे को लेंगे। तो ये देखिए हम लोग एक जूस शॉप में आए थे, ये मिंट मिंट लाइम पीने,
सूरज यहाँ पे काफी आता रहता है और ये ट्राई करता रहता है, तो कैसा है सूरज ये? वाओ अमेजिंग, मैंने आज तक कभी भी ऐसा कभी टेस्ट ही नहीं किया, एक्सीलेंट है यार। आने के बाद सूरज किचन में चला गया और कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है सूरज? फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस, तो सूरज भी हमारा शेफ है ऐसा वैसा मत समझो। तो ये देखिए अपना खाना तैयार है, सूरज ने बनाई है फ्राइड राइस और मम्मी की गोभी आलू की सब्जी और साथ में सलाद है। और ये देखिए अचार, जो कि गांव के स्टाइल में अचार बनाया हुआ है सरसों के तेल में। तो आइए खात करते हैं अपना लंच। तो शाम के वक्त मैं बाहर निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ मैं अपने मामा के घर, तो बहुत दिनों बाद आया हूँ तो उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो चलते हैं। मामा लोगों से मिल के आ गया मैं, और जब मामा के घर पर गया था तो बातों में लाइक इतना मगन हो चुका था कि मैं भूल चुका था कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और यू नो कुछ बताना है, तो मैं नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, हम आपको अगली बार यू नो अपने मामा लोगों से मिलाएंगे। तो अब मैं आया हूँ अपने एक और दोस्त के पास जिसका नाम है संदीप, और ये जो पीछे आप फार्मेसी देख रहे हो ना, ये उसकी फार्मेसी है। तो उसे भी आज यू नो सरप्राइज़ करते हैं मिल के। आइए, अभी अंदर यू नो कस्टमर है तो उसे भी सरप्राइज़ करते हैं। और ये अपना मनीष भाई है, लाइक संदीप का भाई। और ये अपना संदीप, यू नो कस्टमर को अटेंड करने के बाद मिलते हैं। ये अपने मनीष भाई लुपिन में काम करते हैं, ये फार्मेसी कंपनी है, और लुपिन से उन्हें कुछ गिफ्ट मिला है तो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ, तो कौन सी मिठाई खाएं, कौन सी वाली खाएं? कौन सी भी उठा लो, काजू कतली है। चलो हम लोग काजू कतली खाते हैं। दोस्त संदीप, दोस्त नहीं कह सकते, लाइक यू नो भाई से भी बढ़कर है। लाइक किरण और संदीप दोनों कल आप किरण से मिले थे और आज संदीप से मिले। तो ये उसकी फार्मेसी है, गिरिजा फार्मेसी, और ये मड़गांव में है और अच्छे लोकेशन पे है। अगर आप यू नो यहाँ पे आ सकते हो, लाइक यू नो कोई भी क्लोज बाय एरिया अगर देख रहा हो तो ये फार्मेसी में आ सकते हो, देख सकते हो, सारा सामान अवेलेबल है यहाँ पे। और ये अपने मनीष भाई तो ठीक है, अभी बातें बातें करेंगे फिर मिलते हैं आपको। तो संदीप के वहाँ से हम निकल गए, यू नो बहुत सारी बातें की, और अब मैं आ चुका हूँ स्टार्टर शोरूम में, क्योंकि हम लोग सुबह भी आए थे। तो मेरे एक भाई हैं जिन्हें यू नो कपड़े खरीदने थे, मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे नज़दीक ही हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे और यू नो देख लेते हैं अपन कपड़े। तो उनका ही वेट कर रहे हैं, बस कुछ देर में आने वाले होंगे, लाइक 5-10 मिनट में, तो वेट करते हैं और उन्हें शॉपिंग कराते हैं। देखिए बासु भाई को ये शर्ट उन्हें पसंद आई है, मुझे अच्छी लग रही है उनके ऊपर। कैसी लग रही है तुमको, कैसी लग रही है? सही लग रहा है कलर, दूसरा ट्राई करना है? तो बासु का शॉपिंग हो चुका है, कपड़े ले लिए बासु भाई ने, चलो चलते हैं। बासु भाई इनकी शॉपिंग करा ली हमने, कैसे लगे कपड़े? गुड लगे, चलो ठीक है अभी चलते हैं हम घर। ये देखिए अपना डिनर, पराठे हैं और गोभी आलू की सब्जी, जो कि दोपहर में भी थी। तो पराठे और गोभी आलू की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है ना, खा के देखना बहुत मज़ा आता है। और साथ ही में आज मम्मी ने बनाया है इसको, क्या कहते हैं मम्मी? बाजरे की रोटी का मदीला। तो देखिए बाजरे की रोटी का मदीला होता है इसको, बाजरे की रोटी बनाने के बाद उसका चूरन करके फिर उसमें घी वगैरह ये सब डाल के बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, और सूरज का तो बहुत फेवरेट है। देखिए मैच देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके हैं, तो हम चाह रहे थे कि इंग्लैंड जीते, मैं चाहता था इंग्लैंड जीते, लेकिन अभी उन्हें 105 रन बनाने हैं, तो देखते हैं जीत पाती है कि नहीं, क्योंकि 11.5 ओवर बचे हैं अभी। और ये देखिए अपने पैट कमिंस, ओहो बढ़िया शॉट, बहुत ही। तो आज के लिए बस इतना ही इस ब्लॉग में, तो ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, संडे स्पेशल।